नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज आपके साथ हम बात करने वाले हैं सम इफ फॉर्मूला के बारे में। और ये हम जो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, हमारी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है और जूम ऐप के थ्रू और गोटू मीटिंग ऐप के थ्रू तकरीबन 3-4 लोग यहाँ पे ज्वाइन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विकास जी, राहुल जी भी ज्वाइन किए हैं क्या, या संदीप है? हेलो, ओके आफिया जी, जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बट आफिया जी, विकास जी और संदीप जी, दिक्कत ये कि आपने अपने प्रोजेक्ट को करके नहीं भेजा। लास्ट क्लासेस में हमने आपको एक फाइल भेजी थी जो कि थी सम इफ प्रोजेक्ट की। इसमें सम इफ के रिलेटेड आपने एक्सप्लेन किया था और आपको बोला था इसको 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करके भेजने के लिए, और मैंने कल का टाइम भी आपको दिया, बट आप लोगों ने किसी ने मुझे मेल नहीं किया। संदीप जी नहीं, संदीप राहुल है कोई, ये राहुल के नाम से किसने ज्वाइन किया है प्लीज बताएं। प्लीज राहुल के नाम से किसने ज्वाइन किया है बताएं, अदरवाइज अब डिसअप्रूव हो जाएगा। ओके चलिए, विकास जी क्या हुआ, आपने क्यों नहीं बनाया सर? सर मैं घर पे नहीं था 2 दिन। सर अच्छा, आफिया जी आपको समझ नहीं आया क्या? नहीं आया। ओके, सबसे पहले समझिए कि सम इफ समझ में आया कि नहीं आपको सर, जी वो आया। और आपको सम इफ्स भी समझ में आ गया? नहीं सम इफ्स में समझ में नहीं आया आपको, नहीं सर, चलिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे समरी है, मुझे अगर मान लीजिए कि पुनीत का टोटल निकालना है कि इस डेटा में पुनीत का टोटल कितना है, तो क्या यूज करेंगे आप? सम इफ, राइट? क्यों? क्योंकि सिर्फ एक पुनीत का टोटल निकालना है, पुनीत का ही टोटल है। तो हम डेटा में जाएंगे, हम रेंज को लेंगे, फिर वापस समरी शीट पे आएंगे, पुनीत को क्राइटेरिया में सेलेक्ट करेंगे और ये जो सम रेंज है उस पे अपने अमाउंट या क्वांटिटी का टोटल कर देंगे, इसका टोटल निकालना है। ये समझ में आ गया आफिया जी? जी हाँ, अब मान लीजिए कि मुझे पुनीत का टोटल चाहिए जयपुर के रीजन में, जयपुर सिटी का। इसमें क्या है कि पुनीत का टोटल हर एक सिटी का है, लेकिन मुझे पुनीत का टोटल चाहिए जो कि जयपुर सिटी में इन्होंने किया है। क्वेश्चन समझ में आया आफिया जी? जी हाँ सर, तो यहां पे दो कंडीशंस है कि मुझे नेम में पुनीत को मैच करना है और सिटी में जयपुर को मैच करना है। तो यहां पे हम सम इफ का इस्तेमाल करेंगे, सम इफ्स का, आईएफएस। और यहां डेटा में सम रेंज हम लेंगे क्वांटिटी, मतलब कि इसको पहले बता दो कि सम किसका करना है।
तो मुझे क्वांटिटी का सम करना है। अब वन बाय वन कंडीशन ले लीजिए कि मुझे एक नेम वाले कॉलन में पुनीत को मैच करना है और सिटी वाले कॉलन में हमें जयपुर को मैच करना है, ऐसे तीसरा चौथा पांचवा करते चले जाइए। हो गया, ये समझ में आया सामीप साहब को? जी जी। अब यहां है कि मुझे इसका पुनीत यहां पे डेटा में आता हूं मैं कि मुझे यहां पे टोटल चाहिए जैन का, बट प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास जो तो डेटा है वो क्या है, डेट वाइज है, मुझे यहां मंथ वाइज ग्रुप करना है। तो उसके दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि मैं यहीं पे डेटा में ही मंथ का कॉलम ऐड कर दूंगा और टेक्स्ट फॉर्मूला के जरिए तीन बार MMMM लिख के कस्टम फॉर्मेटिंग के जरिए और यहां पे जैन फेब मार्च निकाल दूंगा, ठीक है। और फिर मैं यहां पे जैन का टोटल के लिए सम इफ का इस्तेमाल करूंगा, सम इफ, और इसमें जाइए जैन का टोटल निकालिए कौन से कॉलम का, तो क्वांटिटी कॉलम का, राइट। लेकिन इसके लिए मुझे एक कॉलन ऐड करना पड़ेगा और मैं यही पे एक कॉलन जो है ऐड नहीं करना चाहता, तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे मुझे जैन का टोटल निकालना है डेट के हिसाब से, तो यहां पे मैं करूंगा इस तरह से जैन को लेके एक डेट बनाऊंगा कॉन्कैटेनेट का इस्तेमाल करके कि वन डैश और एन परसेंट में इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर एन परसेंट में वन डैश 2019 ईयर ले लिया। हो गया, तो मुझे इस महीने की जैन महीने की स्टार्ट डेट पता चल गई। और दूसरा फिर मैं यहां पे ईओ मंथ इस्तेमाल करूंगा और इसके लास्ट डेट का निकालूंगा कि इसका लास्ट डेट क्या है। तो मुझे जैन की पहली डेट और जैन की आखिरी डेट पता चल गया। राहुल जी प्लीज बताएं राहुल के नाम से किसने ज्वाइन किया है, क्योंकि इस बैच में राहुल कोई नहीं है। मैं डिस अप्रूव कर रहा हूं, तो यहां पे सम इफ्स का इस्तेमाल होगा। हम इसको सेलेक्ट करेंगे कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू और हम इसके साथ जैन को ले, इसको ले सम इफ, सॉरी माफ कीजिएगा। हेलो रजनीकांत जी, ठीक तो यहां पे हम प्रॉब्लम देंगे सम इफ्स का। सम इफ्स में हम यहां पे रेंज लेंगे, कौन सा रेंज, सम रेंज, सम रेंज कौन सा है, क्वांटिटी का, और यहां पे इसको सेलेक्ट करेंगे और देंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 1 जनवरी, और फिर वापस इसी को सेलेक्ट करेंगे और बोले कि लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 31 जनवरी। तो यहां पे डेट था इसलिए हमने दोनों को कॉन्कैटेनेट कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल से और आपका टोटल निकल गया। क्लियर सर? आफिया जी एंड जी चौहान जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, क्लियर है। नहीं सर, क्लियर हो गया। तो आपको चलिए मैं एक दो क्वेश्चन मैं यहां पे बताता हूं, बाकी दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। रजनीकांत जी क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं करके भेजा था आपने?
हेलो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने क्यों नहीं भेजा था आपने? कहीं बिजी हो गए थे, कल भी नहीं अटेंड कर सका। नहीं, कल तो क्लास लिया ही नहीं था क्योंकि आपने क्वेश्चन का आंसर लिया है। चलिए मैं दो क्वेश्चन बता रहा हूँ, दो क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ठीक है रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दीजिएगा। जी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मुझे जयपुर और पुनीत, जयपुर और ईयर में मुझे क्वांटिटी या टोटल चाहिए मंथली। तो जैसे मैंने अभी बताया कि मैं स्टार्ट डेट एंड डेट निकाल के कर सकता हूं, तो मुझे इस मंथ का स्टार्ट डेट और एंड डेट निकालना होगा। तो इसके साथ हम इसको कंबाइन करते हैं कॉन्कैटेनेट फॉर्मूला से, और हम यहाँ पे जैन को सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे डैश डैश, और इसके साथ फिर हम कंबाइन करते हैं ईयर को, क्योंकि यहाँ पे ईयरली रिपोर्ट देना है। ओके, इसमें कहीं पे छूट गया है। हाँ, यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने लगाया था। आगे अब यहाँ पे नीचे ड्रैग करने से पहले मुझे B4 को फ्रीज करना होगा, फिर इसको आसानी से नीचे ड्रैग कर सकते हैं। हर महीने की पहली डेट आ गई, और फिर यहाँ पे मैं ईओ मंथ का फॉर्मूला लगा, और ईओ मंथ में मैं इसी का कॉमा 0 कर, इसी महीने की लास्ट डेट निकल के आ जाएगी। फिर यहाँ पे मैं सम इफ्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो सम इफ्स में सम किसका करना है, मुझे सम करना है क्वांटिटी का, क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया। पहला क्राइटेरिया क्या है कि नेम मैच करना है, तो नेम कॉलन में क्या मैच करना है, तो समरी का पुनीत मैच करना है। फिर दूसरा क्या, सिटी कॉलन में, सिटी कॉलन में मुझे मैच करना है जयपुर, समरी का जयपुर, हमने जयपुर को सिलेक्ट कर लिया। देन तीसरे वाले में हमें डेट को लेना है, और डेट को बताना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ हमने ज्वाइन किया इस महीने की स्टार्ट डेट जो कि इसके सामने है। फिर वापस इसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, और इस बार हम जो मैच करेंगे लेस देन इक्वल टू, और इसके साथ हम मैच करेंगे किसका, एंड डेट, ये आपके सामने, ठीक है। ये आपके सामने दिख रहा है रिजल्ट। अब इसको आगे ड्रैग करना है, तो हमें थोड़ा सा फ्रीज करना होगा। ये समरी लिखना जरूरी नहीं है, मैं समरी डिलीट कर सकता हूं, फिर इसको मैं यहां से फ्रीज कर देता हूं। समरी D8, हाँ, मैं इसको अब नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूं, सबका आ गया। और मुझे इसी में एवरेज चाहिए, तो हम इसी फॉर्मूला को यहां पे कंटिन्यू करते हैं, बट सम इफ की जगह पे एवरेज इफ, क्योंकि दोनों सेम तरीके से लगते हैं, हम लगा देते हैं। यहां पे एवरेज आ गया, ओके। लेकिन फिर भी डेट तो यहां पर रखा हुआ है, तो हम डेट को फॉर्मूला मर्जिंग मेथड से मर्ज करते हैं। इसको उठाया और यहां D8 में पेस्ट कर दिया, और यहां पे जहां जहां पे D8 है, D8 D8, हाँ ये D8 है, तो D8 को डिलीट किया, ब्रैकेट में D8 का फॉर्मूला पेस्ट कर देता, और यहां भी डी, यहां आपका, फिर ई ओ मंथ का फॉर्मूला लेता हूं, और जहां पे E8 है, E8 को डिलीट करता हूं, और E8 के जगह पे E8 का फॉर्मूला पेस्ट कर, दोबारा देखता हूं, मैंने कोई दिक्कत कर दी है। हाँ, E8 का फॉर्मूला,
गया। अब इसको हम आसानी से ड्रैग कर देंगे, बस इसके लिए हमारा B4 फ्रीज है, हाँ फ्रीज है। अब इससे कोई लिंक नहीं है, सेल्फ हो गया। ओके एग्जांपल समझ में आया आप लोगों को? जी हाँ, ओके अब सेम तरह से मैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। दूसरा क्वेश्चन है कि मंथ में फ्रॉम M2 है यहां पे, समझे? तो मैंने क्या किया कि यहां पे पहले मंथ तो 1 तारीख से स्टार्ट होगा, तो 1 तारीख से इस महीने को स्टार्ट कर रहा हूं। आ गया। और फिर मैं जुलाई के लिए भी सेम कर रहा हूं, लेकिन इसको हम ईओ मंथ में रखेंगे क्योंकि इस जुलाई के लास्ट डेट चाहिए। हमने जुलाई ले लिया और हमने यहां पे ईयर ले लिया, तो यहां पे कॉमा जीरो करना होगा ना, कॉमा। मुझे फ्रॉम डेट और लास्ट डेट आ गया। अब मैं यहां पे इक्वल सम इफ्स लगाऊंगा। तो सबसे पहले हमें देना है किसका सम करना है, तो क्वांटिटी का। पहली कैटेगरी क्या मैच करनी है, तो सिटी मैच करनी है, किसमें? तो समरी में। दूसरी क्राइटेरिया में हमारा डेट है, कि जो हमारा डेट है वो डेट ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए मंथ का स्टार्ट डेट, स्टार्ट मंथ का स्टार्ट डेट। फिर वापस हम इसी प्रोसीजर को, फिर डेट को सेलेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि लेस देन इक्वल टू होना चाहिए एंड मंथ का एंड डेट, और आपके सामने रिकॉर्ड्स है। ठीक है, ऐसे आप ईयर के साथ क्वार्टर का भी स्टार्ट डेट एंड डेट निकाल लीजिएगा, ऐसे आप मंथ का वीक का स्टार्ट डेट 1 से 7, 8 से 9, 8 से 15, 8 से 14, 15 से 21 ऐसे डेट निकाल लीजिएगा और इसका टोटल बना लीजिएगा। एक करके मुझे आप लोग अभी भेजिए, क्योंकि आपके बाद में आपके ऑफिस के काम में टाइम नहीं मिलता है, तो आप मुझे अभी के अभी इसको करके भेजिए। ठीक है, ठीक है संदीप जी, ठीक है विकास जी, आफिया जी, ओके सर। चलिए मैंने फाइल आप लोगों को मेल कर दिया, एक करके भेजिए। ठीक है, तो आपका मैथमेटिकल एंड डेटा समराइजेशन फॉर्मूला खत्म हो गया। आपके 2 क्लासेस और रह गए फॉर्मूले के, उसके बाद फिर हम आगे के टॉपिक और एडवांस फॉर्मूले की तरफ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय। YouTube देखा किस तरीके से हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई, बेसिकली ये प्रोजेक्ट क्लासेस थी, थोड़ी सी छोटी चली क्योंकि अभी वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बैठ के। मैंने फाइल भेज दिया है, जैसे कि आपकी क्लासरूम में क्या होता है कि जब ट्रेनर आपको बता देता है उसके बाद बैठ कर प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे वो बैठ कर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसी क्लासेस हमारे डेली बेसिस पे चलती है। अगर आप ये क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, डेमो क्लास का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दें और 1-2 क्लास आप डेमो लेके देखें।